आज के दिन ओकेजनली मेकअप किया गया है मेहंदी का। आपको यह वीडियो कैसा लगा अंत में देखें, अंत तक और बताएं। ये हमारा आज ओकेजन मेकअप लुक है जो कि मेहंदी मेकअप लुक है। इसमें आईज हम उसी हिसाब से बनाएंगे। ड्रेस ग्रीन और गोल्डन कॉम्बिनेशन का है तो आईज हम आज उसी के अकॉर्डिंग देंगे। डबल शेड में मैट और शिमर आई शेडो यूज़। ये हमारा ऑरेंज कलर का लगकर अप्लाई हो रहा है। जहाँ जहाँ डार्क सर्कल है या हाई पिगमेंटेशन है, जितनी प्रॉब्लम होगी उसी के अकॉर्डिंग हम ऑरेंज कलर का लगकर लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमको पूरा ऑरेंज ही कर देना। कंसीलर लगाएंगे, वो भी हमारा प्रो का ही है। ये लिक्विड कंसीलर है। क्रीज लाइन क्रिएट करेंगे आई शेप डिफाइन करने के लिए और हल्की सी डेप्थ देने के लिए आंखों में। ऑलमंड शेप में हमारा क्या खासियत होता है? ऑलमंड शेप जो आईज होती है वो हमारी आइडल आई शेप होता है। इसमें हमारा सभी तरह का आई मेकअप जाता है। इनकी आंखें ना बहुत अंदर की ओर धसी हुई हैं, ना बहुत बाहर की ओर निकली हैं। इनकी नॉर्मल आइडल आई शेप है, बस ये है कि ये थोड़ी स्मॉल आइज है। बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। हमें बाहर स्मोकी ग्रीन देना है इसलिए हम मैट नहीं जाएंगे। कभी भी बाहर स्मोकी देते समय हम शिमर या ग्लिटर का यूज़ नहीं करते हैं, तो हम हमेशा मैट का यूज़ करते हैं, डार्क शेड का यूज़ करते हैं। आई बॉल पे अप्लाई करेंगे इनर कॉर्नर से लेते हुए आई बॉल पे करेंगे इनर कॉर्नर से लेते हुए। पहले फिंगर से कर लेंगे उसके बाद फिर ब्रश से उसको अच्छे से मर्ज करेंगे। इन करना है कि हमें पता ना चले कि हमारा कहाँ से गोल्डन और कहाँ से ग्रीन शुरू हुआ है। हो गया मिक्स। ये हमारी छोटी आईज है तो हम जो लाइनर है बहुत मोटा नहीं लगाएंगे, बीच से पतला रखेंगे, मतलब बहुत पतला भी नहीं बहुत मोटा भी नहीं, नेचुरल। और हम इधर से रिंग्स लंबा निकालेंगे जिससे कि आंखें की लंबाई हमारी बड़ी लग सके। अब चूंकि हमारी दुल्हन आई शेप के हिसाब से लाइनर डिसाइड होता है, क्योंकि इनकी आईज छोटी है तो लाइनर साइड से खींच के निकालेंगे, लेकिन बहुत मोटा नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इनका ब्राइडल नहीं है, इनका मेहंदी लुक है। ऊपर से नीचे की ओर जैसे कि जो भी ब्लेंड किया हुआ गिरता है मस्कारे के ऊपर वो क्लीन हो जाए, फिर नीचे से। ये यूनिक हेयर स्टाइल कैसे बना है यह भी साथ में जान लें। आप देखें, बनाएं और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि यह आपको हेयर स्टाइल कैसा लगा। हमारा श्वेता शिव कला केंद्र चैनल के साथ दूसरा कुकिंग का यूट्यूब चैनल है शिप्रा श्वेता कुकिंग, आप उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच कर सकते हैं। आप शेयर करें, कमेंट्स करें। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।
अगले वीडियो में एक नई स्टाइल, एक नए मेकअप के साथ। Thank you.